खेल खेल में गर्भवती हुई 15 साल की बहन, बलात्कार, किडनैपिंग, हत्या, इस तरह की जुर्म की खबरें आए दिन आती रहती हैं। लेकिन कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जो नादानी में हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता। हम भी आज आपको राजस्थान के अलवर की एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने भाई बहन के पवित्र रिश्ते को तार तार करके रख दिया। जिसे सुनने के बाद आपकी आत्मा भी कांप उठेगी, क्योंकि इस घटना को सुनने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे एक मोबाइल फोन किसी की जिंदगी छीन सकता है और भाई बहन को वो करने पर मजबूर कर सकता है जिसके बारे में कभी किसी ने ना सोचा होगा। आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है, इसे जानने के लिए हमारे चैनल में इसी तरह बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोस आप लगातार देखते रहें। दोस्तों, अभी कुछ ही समय पहले महाराष्ट्र के वर्धा नाम के जिले में 6 लोगों का एक परिवार रहता था। उस परिवार में दादा, दादी, बेटा, बहू और 13 साल का बच्चा और 15 साल की पोती रहती थी। ये सभी लोग मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने के लिए राजस्थान के अलवर पहुंच जाते हैं। अब परिवार वहीं रहने लगता है और मेहनत मजदूरी करके परिवार अपना पेट पालता था। एक दिन अचानक से ही दादी की नजर पोती पर पड़ जाती है। पोती की हालत देखकर दादी काफी हैरान थीं, क्योंकि पोती का पेट सामान्य से कहीं ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा था। जब दादी अपनी पोती के पेट को ठीक ढंग से देखती है तो उन्हें ये शक होता है कि कहीं ये गर्भवती तो नहीं। अब दादी का शक कोई नहीं चाहता था कि यकीन में बदले, इसलिए जब बेटा शाम को घर आता है तो दादी अपने बेटे से कहती है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हारी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। इसीलिए अगले ही दिन परिवार वाले उस 15 साल की बच्ची को लेकर एक अल्ट्रासाउंड सेंटर चले जाते हैं। जब उस बच्ची की जाँच होती है तो वो 6 महीने की गर्भवती होती है, जिसे सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। फिर ये मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, उस बच्ची से भी पूछताछ की जाती है कि आखिर ये कैसे हुआ, कहीं किसी ने उसके साथ जोर जबरदस्ती तो नहीं की, या फिर बच्ची का प्रेम संबंध भी हो सकता था। इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए पुलिस बार बार बच्ची से पूछती है कि हाल ही में तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। अब दोस्तों, 15 साल की लड़की जो कि कक्षा 9 में पढ़ती थी, उसे तो ये पता नहीं था कि उसके साथ कितनी बड़ी अनहोनी हुई है। कुछ भी पता ना चलने की वजह से परिवार बदनामी के कारण राजस्थान के अलवर से वापस अपने गांव महाराष्ट्र के वर्धा में पहुंच जाता है। महाराष्ट्र पहुंचने के बाद परिवार वाले जब बच्ची का दोबारा से चेकअप करवाते हैं तो पता चलता कि उसका बच्चा खराब हो चुका है। मजबूरन परिवार वालों को बच्चे की डिलीवरी करवानी पड़ती है, लेकिन डिलीवरी कराने से पहले ये पूरा मामला स्थानीय चौकी को बताना पड़ता है, वरना परिवार वाले फंस सकते थे। अब जैसे ही पुलिस को इस बारे में पता चला तो पुलिस खुद दंग रह गई। उन्होंने फैसला किया कि बच्ची के साथ हुई घटना के बारे में जानकर ही रहेंगे। और फिर महाराष्ट्र की पुलिस ने जब अपनी जांच पड़ताल शुरू की तो सच्चाई के कुछ ऐसे पन्ने खुले जिसने सब कुछ तबाह करके रख दिया। असल में दोस्तों, हुआ ये था कि दिन में माँ बाप मजदूरी करने के लिए चले जाते थे। घर में बूढ़े दादा दादी होते थे जो ज्यादा इधर उधर चलते फिरते नहीं थे, अपनी जगह पर बैठे रहते थे। अब जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन का समय चल रहा था तो स्कूल कॉलेज की सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही थी। ठीक ऐसे ही इन दोनों बच्चों की भी पढ़ाई घर से होती थी। 13 साल का लड़का 7वीं क्लास में पढ़ता था और 15 साल की लड़की वो 9वीं कक्षा में थी। अब दोनों भाई बहन एक ही मोबाइल से पढ़ाई करते थे। गरीब घर के बच्चे थे इसलिए उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं रहता था। ऐसे में जब एक दिन अचानक से मोबाइल पर पॉर्न साइट खुल जाती है तो उसमें आने वाली वीडियो को दोनों भाई बहन देखने लगते हैं, बिना ये समझे कि इसमें आखिर हो क्या रहा है। वीडियो ने दोनों के ही ऊपर इतना भयानक असर डाला कि जैसा जैसा उस वीडियो में हो रहा था वैसा वैसा ये दोनों करने लगे। इन्हें लगा ये कोई खेल हो रहा है, पर इन्हें क्या पता था कि ऐसा करने से इनकी जिंदगी ही खेल बन जाएगी, क्योंकि दोनों भाई बहन ने ये एक दो बार नहीं बल्कि कई बार किया और उन्हें लगा कि इसमें कोई बुराई नहीं है। हालांकि घर वाले कभी इन्हें पकड़ नहीं पाए क्योंकि घर पर कोई ज्यादा ध्यान देने वाला था ही नहीं। अगर किसी बड़े को पता चलता तो उनको समझाते, लेकिन इस बारे में किसी को पता ही नहीं चला और इनकी ये कहानी चलती रही। सबको लगा कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के स्थान पर उनका अलग ही खेल चलता रहा और सगे भाई से सगी बहन प्रेग्नेंट हो गई। पुलिस का ये कहना है कि पूछताछ के बाद ये बात सामने आई है कि दोनों बच्चों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उन्होंने कितना बड़ा जुर्म किया है। अब जाहिर सी बात है कि इस तरह की कंडीशन में क्या ही किया जाए। ये पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जुर्म तो हुआ है लेकिन ये जुर्म अनजाने में हुआ है और बच्चे भी बहुत छोटे हैं। अब इसका क्या नतीजा निकलेगा ये तो आगे की कार्यवाही के बाद ही पता चलेगा। इस पूरे मामले को जानने के बाद हम ये जरूर कह सकते हैं कि मात्र एक मोबाइल फोन ने इन दोनों ही बच्चों के बचपन को अंधेरे से भर दिया। खेल खेल में भाई बहन के बीच बनने वाले इस संबंध के बारे में आप लोगों ने तो सुन लिया, अब जरा जानबूझकर अपनी ही बहन के प्यार में पड़ने वाले इस भाई से मिल लीजिए। दोस्तों, मामला भोजपुर जिले का है।
जब एक घर की बेटी अचानक से गायब हो जाती है। घर वालों ने बेटी की तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ी, लगातार उसे ढूंढते रहे, पर आखिरकार जब बेटी का कोई अता पता नहीं चला तो पिता ने थक हार कर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। शायद उसकी बेटी का अपहरण हो गया हो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब अगले ही दिन बेटी थाने पहुंच गई और उसने थानेदार को यह बताया कि वो शादी कर चुकी है। पुलिस वालों ने पूछताछ की और ये जानने की कोशिश की कि वो लड़का कौन है जिससे इस लड़की ने शादी की है, तो लड़की का जवाब सुनकर थाने में मौजूद एक एक शख्स दंग रह गया। लड़की ने अपने मुंह से खुद ही कबूला कि उसने किसी और से नहीं बल्कि अपने ही भाई से शादी की है और अब वो इसका भाई नहीं बल्कि इसका पति बन चुका है। लड़की का ये कहना था कि उसने अपने ही भाई के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे और इनका ये चक्कर कई सालों से चल रहा था, लेकिन एक दिन अपने इसी संबंध के चक्कर में लड़की गर्भवती हो गई। अब घर पर तो लोग इस बारे में बता नहीं सकते थे, इसलिए इन दोनों भाई बहनों ने भागकर शादी करने का फैसला किया। दोनों ने पहले तो पूरे रीति रिवाज के साथ मंदिर में शादी कर ली और फिर ये दोनों थाने पहुंच गए। अब मामला इतना सीधा तो था नहीं जितना दिख रहा था, क्योंकि अपने ही भाई से शादी करना हमारे समाज के साथ साथ कानून में भी बिल्कुल सही नहीं माना जाता, इसलिए पुलिस वालों ने इस मामले को कोर्ट तक पहुँचा दिया। जज ने जब पूरी जांच पड़ताल की तो उन्हें अपनी ही बहन के साथ नाजायज रिश्ता कायम करने के बाद उसे गर्भवती करने और फिर उससे शादी करने, ये सब कुछ उसको सही नहीं लगा, क्योंकि अगर इस तरह किसी एक को मंजूरी दे दी जाए तो पीछे पीछे पूरा काफिला इसी राह में निकल पड़ेगा और समाज एक अलग ही बुराई की तरफ पहुंच जाएगा। इसलिए इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा ना देते हुए कोर्ट ने दोनों को ही गुनहगार समझा और सजा दी। इन लोगों ने जो किया सो किया, पर इनके इस कदम की वजह से इनके परिवार वालों की कितनी बेइज्जती हुई इसका इनको बिल्कुल अंदाजा नहीं है। मतलब आप खुद सोचिए, दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता माना जाने वाले भाई बहन के रिश्ते को जब लोग इस तरह शर्मसार करते हैं तो ये दुनिया भर में मौजूद जितने भी भाई बहन हैं ये उन सब के मुंह पर एक तमाचा है। जानवर भी जब संबंध बनाता है तो अपनी माँ के पेट से जन्मी अपनी बहन को छोड़ देता है, लेकिन इंसान तो उससे भी ज्यादा बदतर होते चले जा रहे हैं। जो आजकल जानवरों तक को नहीं छोड़ते तो भला अपनी बहन को कैसे छोड़ सकते हैं। अब हमारी नजर में तो ये चीज सरासर गलत है। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।